दोस्तों रणबीर कपूर और आलिया भट्ट स्टारर ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर कल रिलीज हो चुका है। ट्रेलर सामने आने के बाद फैंस को रणबीर और आलिया का अंदाज काफी पसंद आ रहा है। काफी टाइम के बाद बॉलीवुड की कोई ऐसी मूवी देखने को मिलेगी जो थोड़ा सा हटकर होगी। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र को लेकर फैंस इस वक्त काफी एक्साइटेड है। 9 सितंबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन फिल्म के ट्रेलर को देखकर फैंस अपनी एक्साइटमेंट को बिल्कुल भी दबा नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि रणबीर और आलिया की जोड़ी को एक साथ फिल्मी पर्दे पर देखना उनके लिए काफी बड़ी बात है, क्योंकि शादी के बाद रणबीर आलिया स्क्रीन पर रोमांस करते नजर आएंगे और रणबीर आलिया पहली बार कोई फिल्म भी साथ में कर रहे हैं। रणबीर और आलिया के अलावा ब्रह्मास्त्र में अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी रॉय भी हैं। मौनी रॉय ब्रह्मास्त्र में एक विलन की भूमिका में नजर आने वाली है। मौनी को रणबीर आलिया के साथ फिल्म करते देख उनके फैंस काफी खुश हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मौनी रॉय का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म क्रिटिक KRK के बारे में। कमाल आर खान ने फिल्म के ट्रेलर का रिव्यू किया है और जो बातें उन्होंने कही हैं वो मौनी के फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली हैं। जी हां दोस्तों, फिल्म में मौनी रॉय का मजाक उड़ाते नजर आए हैं KRK, और यहां तक कि KRK ने उन्हें एलियन तक कह दिया है। रणबीर और आलिया भट्ट की साथ में पहली बार आखिरकार 9 साल में बनकर तैयार हो चुकी है ये फिल्म और इस साल सितम्बर में दस्तक भी दे देगी। 15 जून को ब्रह्मास्त्र का ऑफिशियल ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है और इस ट्रेलर को देखते ही कई तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इस बीच रिव्यू कमाल आर खान ने भी किया है। हर बार की तरह इस बार भी वो कुछ ऐसा कह गए जो कि सुर्खियों में है। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र को लेकर KRK ने क्या कहा है। ब्रह्मास्त्र को करण जौहर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहीं इसका डायरेक्शन किया है अयान मुखर्जी ने। KRK ने अपने रिव्यू की शुरुआत यही बताते हुए की है। उन्होंने कहा कि मुगले आजम को बनने में 15 साल लग गए और इस फिल्म के बाद ब्रह्मास्त्र ऐसी फिल्म है जिसे बनने में पूरे 9 साल लग गए हैं। फिल्म को बनाने में लंबा टाइम और पैसा भी खर्च किया गया। 9 साल में बनकर तैयार होने वाले इस फिल्म पर मेरा रिव्यू हाजिर है। ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर देखकर KRK काफी हंसते हुए नजर आए हैं। KRK ने इसका जमकर मजाक उड़ाया। इसके साथ ही सिलसिलेवार कई ट्वीट्स भी किए हैं। KRK ने ट्वीट में लिखा कि मैं करण और अयान मुखर्जी की बात से सहमत हूँ कि ये फिल्म ह्यूमन के लिए नहीं बनी है, बल्कि ये तो मार्स और जुपिटर पर रहने वाले एलियंस के लिए बनी है। तो वहीं दूसरे ट्वीट में वो लिखते हैं कि आज करण जौहर की फिल्म ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर रिलीज होते ही बॉयकॉट बॉलीवुड # ट्रेंड करने लगा। यही सबूत है कि लोग करण जौहर को अभी भी माफ नहीं कर पाए हैं। ब्रह्मास्त्र के ट्रेलर पर जो KRK ने रिव्यू किया है, उस पर उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जो कि उनके रिव्यू का है, जिसमें वो जमकर रणबीर और आलिया की फिल्म का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने अयान मुखर्जी और करण जौहर की काफी खिल्ली उड़ाई। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्रह्मास्त्र की विलन मौनी रॉय का भी मजाक उड़ाया है। आपको बता दें कि ब्रह्मास्त्र 9 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में आलिया भट्ट, रणबीर कपूर के अलावा मौनी रॉय, अमिताभ बच्चन, नागार्जुन समेत कई बड़े स्टार्स हैं। फिल्म को अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है और बताया जा रहा है कि इस फिल्म का टोटल बजट 400 करोड़ है।